हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि डीओए की तरफ से मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर सबके आ रहे हैं, ठीक है, या ऐसे टर्म फर्स्ट भी आप कह सकते हैं। तो आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो जो है डीओए ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आप जैसे कि जानते हैं कि जब आपके फाइनल टर्म होंगे तो उसमें आपकी पूरी बुक्स आएगी, तो इसलिए डीओए ने क्या करा कि जो चैप्टर्स उनको आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी हो सके और बाद में फाइनल पर आपको इतना प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो हिस्ट्री की जो बुक है ना, उसमें जो मिड टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, टर्म फर्स्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो मिड टर्म में आपके जो है पहला चैप्टर आपका ये ला रहा है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर टू, फिर चैप्टर नंबर थ्री आपका आ रहा था मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ये तीनों हिस्ट्री के हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के देखेंगे तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, मैंने एक बात और बता दूं कि जो मैथ्स का, इंग्लिश का, एसएसटी का, साइंस सबकी जो है वीडियो बना दी सिलेबस की, जो आपके टर्म फर्स्ट या मिड टर्म में जो आपके चैप्टर्स आने हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियोस को देख लें, और इस एसएसटी में भी जो जो टॉपिक्स या चैप्टर नहीं आ रहे उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ज्योग्राफी में आपका चैप्टर वन आ रहा है, ठीक है, और आपका चैप्टर टू आ रहा है, चैप्टर थ्री आपका आ रहा है, चैप्टर फोर आ रहा है, और क्या क्या मैप वर्क है ना, मैप अभी लास्ट में दिखाता हूँ मैप में क्या क्या करना है आपको, ठीक है। और डेमोक्रेटिक यानी कि आपकी जो पॉलिटिक्स की बुक है उसमें पहला चैप्टर आपका, दूसरा चैप्टर, पहला पावर शेयरिंग है, दूसरा फेडरलिज्म है, चौथा जो है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, देखो मेरी बात सुनो, हिस्ट्री की जिनकी न्यू बुक होगी ना, तो न्यू बुक में पहला चैप्टर ये होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और सेकेंड होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, और कई बच्चों की बुक में ये तीसरे चैप्टर होगा। तो इसे चैप्टर का नाम पढ़ लेना, क्योंकि जो पुरानी बुक वाले हैं उनका चैप्टर टू नहीं आ रहा, नई बुक में चैप्टर टू दे रखे नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो आप चैप्टर का नेम पढ़ के चैप्टर की तैयारी करना, पता लगे वो चैप्टर कर लो जो आ ही नहीं रहा, डिलीटेड है, ठीक है। तो हिस्ट्री का पहला, दूसरा, तीसरा बता दिया मैंने, कौन कौन से नाम पढ़ लेना, और ज्योग्राफी में पहला नाम जरूर पढ़ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, नाम जरूर पढ़ लेना अच्छे से। और डेमोक्रेटिक पे आ जाओ, पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, तो एक डेवलपमेंट आ रहा है, और दूसरा ये सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर हैं। तो मिड टर्म का आपके पेपर होने के बाद फिर जो बाकी बचे आपके चैप्टर्स होंगे ना, वो आपको करवाए जाएंगे स्कूल में, और जब सारे चैप्टर हो जाएंगे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इकोनॉमिक्स के, तो वो टारगेट रखा गया है कि ये सारे चैप्टर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब आपके बाकी बचे हुए चैप्टर हो जाएंगे ये वाले, ठीक है, फाइनल टर्म में, तो 15 दिसंबर तक का टारगेट रखा गया है कि 15 दिसंबर तक आपका सारा कोर्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस वगैरह, प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिस पेपर होंगे, फिर आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एनुअल एग्ज़ाम होने के बाद फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे ना। तो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह ये दे रखे हैं, किस किस पर प्रोजेक्ट होगा स्कूल में, जो 20 नंबर टीचर्स के हाथ में होते हैं वो सब बता रखे हैं यहाँ पर। और अब मैप का देख लो, मैप का कौन सा, ये सब मैप का है, जो जो चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं या मिड टर्म में आ रहे हैं, तो ये सारे चैप्टर सब देख लो, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए, काफ़ी हेल्पफुल होंगी, तो आप उनको देख लेना अच्छे से। ये सारा मैप वर्क आप खुद कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा, ठीक है, और आप मुझे पूरा मोटिवेट किया कीजिए, ठीक है। बाकी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ना, कितने कैसे कैसे